हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज आप चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। फिर से एक बार पढ़ते स्टेटमेंट क्या दिया है, देखिए, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। यहाँ पे कह रही है, मान लीजिए कोई टू डिजिट का नंबर है उसका सम उसका और उसके बाद उसको अगर रिवर्स कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 36, एक नंबर देखिए 36 ले लिया, 36 टू डिजिट नंबर है ना। हाँ, टू डिजिट है ये, वंस ये टेंस, तो टू डिजिट नंबर है। अब कह रहा है इसका 36 इसका सम और उसके बाद यहाँ पे अगर इस डिजिट्स को इसकी रिवर्स कर दिया जाए, 36 जो है इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया, यानी 1 प्लेस वाली 10th प्लेस पे भेज दी जाए, 10th प्लेस वाली 1 प्लेस पे भेज दी जाए, तो क्या हो जाएगा नंबर। अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, तो 36 से ये बन जाएगा 63। तो इनका सम ये हो जाएगा 63। अब इनका सम जो होगा वो होगा, तो उसकी बात कर रहा है वो दिया गया कितना 99। समझ में आया, जैसे कोई भी टू डिजिट का नंबर ले लिया हमने, और ये टू डिजिट का नंबर ये वंस प्लेस पे डिजिट है 6, टेंथ प्लेस पे है 3। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस नंबर की डिजिट रिवर्स कर दी जाए, यानी वंस वाली टेंथ प्लेस पे भेज दी जाए, टेंथ प्लेस वाली वंस प्लेस पे भेज दी जाए, तो जो इंटरचेंज करने पे यानी जो रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा उसका सम और जो ओरिजिनल नंबर था उसका सम, उनका सम आपको दिया गया कितना 99। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। तो सबसे पहले तो हमें देखिए वंस डिजिट और टेंस डिजिट पे नंबर पता होना चाहिए, हमें नहीं मालूम तो हम सपोज कर लेंगे, हम सपोज करेंगे यहाँ पे देखिए लेट द टेंस डिजिट, हमने ले लिया लेट द टेंस डिजिट एक्स, यानी टेंस डिजिट पे जो नंबर होगा वो एक्स होगा, और एंड वंस डिजिट एंड वंस डिजिट, वंस डिजिट पे जो नंबर होगा वो हमने ले लिया वाई ले लिया। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर आपका बनेगा, ये फॉर्मूला होता है 10 into 10th digit प्लस वंस डिजिट, यहां देखिए 10 into 10th digit प्लस वंस डिजिट, इसको लिख लेते हैं यहाँ 10 into 10th digit, 10th digit पे कितना लिया x, प्लस यहाँ प्लस लगा वंस डिजिट पे कितना लिया y, तो ये हो जाएगा नंबर जो आपका बनेगा 10x प्लस y, ये आ गया, ये क्या है ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, टू डिजिट जो कह रहा था द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, तो ये टू डिजिट नंबर आ गया आपका। अब यहाँ देखिए ये आता कैसे, ये देखिए आपको पता होगा, मान लीजिए कोई भी टू डिजिट का नंबर आप ले लिया, आपने मान लीजिए ले लिया 75, ये टू डिजिट का नंबर, ये वंस डिजिट ये 10th डिजिट है ना। अब यहाँ पे देखिए 75 आया कैसे, ये इसी फॉर्मूले से आया है, कैसे देख लीजिए करके, फॉर्मूला क्या होता है 10 into 10th digit, तो 10th digit पे कितना है, 10th digit पे 7, तो 10 into 10th digit प्लस यूनिट्स डिजिट या प्लस वंस डिजिट, वंस डिजिट पे कितना है 5, ये लिख दिया 5, 10 7 का 70 प्लस 5, नंबर कितना है 75, क्या आया कि नहीं आया 75। कोई भी टू डिजिट का नंबर जो फॉर्म होता है, जो बनता है, वो इसी फॉर्मूले से बनता है 10 into 10th digit प्लस वंस डिजिट। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं, ये तो आपने ले लिया ओरिजिनल नंबर, आपका आ गया कितना 10x प्लस y, वंस डिजिट पे आपने y लिया है, 10th डिजिट पे आपने x लिया है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसके बाद द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर तो आपने ले लिया एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी कि ये देखिए आपने एक निकाल लिया टू डिजिट नंबर, ये निकाला, अब इसके बाद कह रहा सम ऑफ इसका और किसका सम, इसका जो रिवर्स आएगा, यानी इसकी डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें, हम यहां लिख दे रहे हैं the number obtained by reversing its digit is, ये कितना हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां देखिए यहां number obtained by reversing the order of its digit। अब यहां मुझे नंबर आपको मिला 10x प्लस y, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर मिला है अगर इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, यानी इंटरचेंज कर दिया जाए, 10x प्लस y जब इसकी डिजिट इंटरचेंज करेंगे, यानी हो जाएगा 10y प्लस x,
10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई है, इसके डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। कैसे, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका नंबर अभी आपने बनाया था, रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या था, नंबर का जो फॉर्मूला बनाया था आपने क्या था, 10 इंटू टेंथ डिजिट है ना, 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस वन डिजिट था ना, भी लिखा भी है, देखिए वही नंबर 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस वन डिजिट, तो नंबर जो होता है 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस वन डिजिट, ये था। अब यहाँ पे कह रहा है इसको कहते हैं इंटरचेंज करिए, अब इसके डिजिट को रिवर्स करिए, इंटरचेंज करिए, तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10 इंटू वन डिजिट, 10 इंटू वन डिजिट प्लस टेंथ डिजिट, ठीक है। जब इसको आप करेंगे तो आपका आएगा कितना, 10y प्लस एक्स आ जाएगा, कितना आएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। नंबर देखिए 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट यानी कि वन डिजिट, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इंटू वन डिजिट प्लस टेंथ डिजिट, यानी बनेगा क्या 10y प्लस एक्स। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप क्या करते हैं, उनका सम लेना है, आपको क्या लेना है, जो ओरिजिनल नंबर बना है उसका सम, और उसके बाद ओरिजिनल नंबर की डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिला है, ओरिजिनल नंबर की डिजिट को इंटरचेंज करने पे क्या नंबर मिला, 10y प्लस एक्स, 10x प्लस वाई था, उसकी डिजिट इंटरचेंज की गई तो क्या मिला, 10y प्लस एक्स। अब इनका ओरिजिनल नंबर और जो इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिला उनका सम दिया गया 99, ठीक है। तो हम यहां लिख दें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, यानी इसका ओरिजिनल नंबर का और इंटरचेंज करने पे जो डिजिट मिली है उनका, ये देखिए ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज डिजिट इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिला उनका सम कितना है 99, यानी इतना प्लस इतना इक्वल टू 99। हम लिख देंगे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 99। अब इसको सॉल्व कर ले, हम देखिए यहाँ हो जाएगा 10x प्लस एक्स यानी कितना हो जाएगा 11x, उसके बाद 10y प्लस वाई यानी कि 11y इक्वल टू 99 होगी, यहाँ 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 99, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 99 अपॉन 11, यानी हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो दे दिया आपने कि जो ओरिजिनल नंबर था और ओरिजिनल नंबर की डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया उन दोनों का सम 99, तो हमने दिखा दिया उन दोनों का सम 99 और सॉल्व कर लिया गया तो इक्वेशन बन गई। और आगे बढ़ते हैं यहां से, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, अब कह रहा है इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, जो जो डिजिट्स थी 10th डिजिट और 1st डिजिट उनका डिफरेंस, डिफर मतलब उनका डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना है 3 है, तो चाहे आप x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दीजिए, चाहे y माइनस एक्स इक्वल टू 3 लिख दीजिए। चलिए यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहां लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3 डिजिट से, यानी कि 10th डिजिट x, 1st डिजिट y, तो क्या होगा, डिजिट्स डिफर बाय 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, उसको हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 3 या फिर आप y माइनस एक्स इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं, दो इक्वेशन बन गए, हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहां ले ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा x प्लस एक्स 2x और यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 2, यानी आ जाएगी x की वैल्यू कितनी 2, 6 आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आई 6 आ गई, अब x की वैल्यू 6 आ गई, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को चाहे तो हम फर्स्ट में पुट कर दे चाहे तो सेकेंड में, चलिए हम लिख दे रहे पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, इक्वेशन फर्स्ट ये x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ x ये कितना, x ये 6 प्लस y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी y इक्वल टू कितना 3, x की वैल्यू आपने निकाली 6, y की वैल्यू आपने निकाली 3, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई, अब हमें नंबर पूछ रहा था, यानी कि कह रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, नंबर यानी कि ये जो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, ये तो x y की फॉर्म में है ना, तो इसमें रियल नंबर का क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, तो x और y की वैल्यू जो निकाल ली इस नंबर में पुट कर देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए यहां लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर, सो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर हमारा था 10x प्लस y, तो 10 इंटू x, 10 इंटू x, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 प्लस y, y की वैल्यू 3, तो आगे आपका कितना 10 6 जा, यहां पे आ जाएगा 60 प्लस 3, 60 प्लस 3 कितना आ जाएगा 63, क्या हो जाएगा
63, यानी कि आपको जो नंबर आएगा वो कितना आ गया, नंबर आ गया आपका 63, नंबर आया आपका 63, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह नंबर 63 आया है तो अगर हम डिजिट्स को मान लीजिए यहाँ पे टेंस डिजिट हम वाई लेते और वंस डिजिट हम एक्स लेते तो जो नंबर होता है वो इंटरचेंज भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 63 आया है तो 63 अगर डिजिट इंटरचेंज कर दी जाए, देखिए यहाँ पे जो वंस प्लेस वाली है, या देखिए वंस प्लेस वाली टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाली वंस प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 63 से हो जाएगा 36, 63 से क्या हो जाएगा 36, तो दोनों सही है, 63 भी हो सकता है 36 भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे और 36, 63 या फिर 36, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ नंबर आपने 10x plus y बनाया, इसमें रखा तो आपका कितना है, आपका आया कितना 63, और ये जब डिजिट इंटरचेंज की गई 10y plus x, अगर इसमें रख दें 10y plus x में, तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब नंबर रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा आपका, तब आएगा 36, ठीक है, कर लीजिए।